की वीडियो में हम घी के साथ साथ मावा भी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटली अनीता की। तो आज हम बनाएंगे मावा और घी एक साथ। घी बनाते बनाते हमें मिलेगा मावा। तो ये मेरे पास है मलाई, जो हम दूध के ऊपर से उतार के मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखी थी, ताकि इसका टेस्ट एकदम बढ़िया बना रहे, एकदम फ्रेश इसका टेस्ट बना हुआ है। इसको मैंने फ्रीजर से कुछ टाइम पहले बाहर निकाल के रख दिया था। हम गैस ऑन कर लेते हैं और इस पे रख लेते हैं अपना ये पैन। घी बनाते समय जो लेफ्ट ओवर बचता है वो हमारे पोट के चिपक जाता है, तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि वो हमारे पोट के बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एकदम छोड़ देगा और एकदम बढ़िया मावा हमें मिल जाएगा। घी तो मिलेगा ही और साथ ही साथ हम बनाएंगे मावा। तो ये देखिए, हमारे क्रीम के अंदर उबाल आ गया है, मैंने गैस को सिम कर दिया है। अब फिर से मैंने गैस की फ्लेम को तेज किया है और अगर ये बाहर निकलने को लगेगा तो मैं फिर से इसको सिम कर दूंगी। अभी मैं इसमें 2 चम्मच आटा डाल दी हूँ। देखिए, सिंपल व्हीट फ्लोर ये मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसका डालने का रीजन ये है कि जो भी नीचे इसमें लेफ्ट ओवर बचेगा वो बर्तन से ना चिपके, हमारे पोट के साथ चिपकने की बजाय आटा उसको अपने साथ ही बाइंड कर लेगा। बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था, तो ये थोड़ा सा बर्तन के साथ चिपकने लगा था और अब मैंने आटा डाल दिया है। ये उसी के थोड़े थोड़े जो ब्राउन से हमें नज़र आ रहे हैं ये उसी के हैं, ये बर्तन के साथ चिपकने लगा था। अगर हम इसको कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे तो ये बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा, जो भी इसके अंदर मावा है आटा उसको बाइंड कर देगा, घी हमारा सेपरेट हो जाएगा। ये मैं फुल फ्लेम पे कर रही हूँ, इसको हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा गाय का दूध है तो उससे येलो कलर का घी बनेगा। ये देखिए कितना हमारा घी सेपरेट हो गया है। पिछली बार मैंने जो मावा बनाया था उससे मैंने बनाए थे लड्डू, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर इसको हम छोड़ देते हैं बीच में कुछ सेकंड के लिए भी, तो ये इसका सारा कुछ इस टाइप से रेड रेड हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़े से रेड रेड हो जाते हैं और लेकिन ये खराब नहीं लगते। कंटिन्यूअस चलाएंगे तो इसका कलर एक जैसा बनेगा। घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ये देखिए, घी को हम सेपरेट कर लेते हैं। अभी इसको मैं फिर से कढ़ाई में डाल रही हूँ और ये देखिए, ये हमारा घी है। इसको एक बार और छानेंगे हम। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक छलनी से छान रही हूँ। ये जो नीचे नजर आ रहा है इसको हम अपने मावे में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा घी रेडी हो गया है, कितना ट्रांसपेरेंट और बढ़िया घी बना है हमारा। फिर से मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसको अभी हम थोड़ा और कुक करेंगे मावे को, इसमें से अभी और घी निकलेगा। तो आप देख रहे हैं, जो हमारे बर्तनों के साथ चिपक जाता है, हमारे बर्तन के साथ नहीं चिपका है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो इसमें से घी और निकलेगा। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इस मावे से आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मावा हमारा पहले से ही रोस्टेड है। अब इसमें से बचा हुआ जितना भी घी है वो और हम निकाल लेंगे। ये देखिए, उसको हमने इसमें निकाल लिया है और इसमें से अभी घी और निकल रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं इसमें से सारा घी निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर करके इसमें जितना भी घी था वो निकाल लिया है। अब मैं इस मावे को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस मावे से आप लड्डू और बर्फी
अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अभी जो हमें ये घी मिला है इसको हम फिर से बारीक छलनी से हमारे घी में ही छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास घी तो बना ही बना और साथ में बड़ा टेस्टी सा मावा भी रेडी हो गया। सर्दी के मौसम में घी बर्फी लड्डू बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।